डॉक्टर पेशेंट को पेशेंट की जान बचाने का काम करता है, मगर फार्मासिस्ट वह व्यक्ति होता है जो दवाइयों में जान डालने का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट को रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश सरकार की विडंबना ही है कि मध्य प्रदेश के गठन से लेकर आज तक फार्मासिस्ट वेतन विसंगतियों का शिकार रहे हैं। शुरुआत में फार्मासिस्ट की जगह कंपाउंडर की नियुक्ति हुआ करती थी, जिसे 1979 में डाइंग कैडर घोषित करके फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई। उन्होंने क्वालिफिकेशन बढ़ा लिए, भर्तियां कर ली, काम बढ़ा दिया, लेकिन 12वीं पास 3 महीने की ट्रेनिंग लिए कंपाउंडर का वेतन भी आज के ही सुपर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को दिया जा रहा है, जो कि तीन महीने की ट्रेनिंग लेके नहीं बल्कि 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल की इंटर्नशिप करके फार्मासिस्ट बनता है, परंतु उसको आज भी ग्रेड पे जो है ड्राइवर के समान दिया जा रहा है 1900 ग्रेड पे। लेकिन अगर अन्य राज्यों से तुलना करें तो केंद्र सरकार में एवं उत्तराखंड में फार्मासिस्ट का एंट्री ग्रेड पे 2800 रुपये है, जिसे 2 साल के प्रोबेशन के बाद बढ़ाकर 4200 रुपये कर दिया जाता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार के फार्मासिस्टों का दुर्भाग्य है कि आज भी वो 1900 ग्रेड पे ले रहे हैं और साथ ही साथ सारी दवाइयों का दवा वितरण का काम भी कर रहे हैं, स्टोर भी संभालना है एवं कोल्ड चेन का प्रभार भी उनको दे दिया गया है। पीएचसी सीएचसी एवं छोटी छोटी जगहों पर जहां डॉक्टर नहीं रहता है वहां पे पूरी अस्पताल में ओपीडी देखने का काम फार्मासिस्टों द्वारा ही कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन इस वीडियो के माध्यम से अपने ग्रेड पे बढ़ाने की गुहार करना चाहता है, और अगर हमारी यह मांग नहीं मानी गई तो भविष्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाए।